आइए अब हम जानते हैं संक्रमण तत्वों के भौतिक गुणों को। यदि हम संक्रमण तत्वों को देखें तो 12वें वर्ग में आने वाली जो धातुएं हैं यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, यदि इन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं ये सभी अति कठोर होती हैं तथा बहुत ही कम वाष्पशील होती हैं तथा इनके गलनांक और कथनांक बहुत उच्च होते हैं। यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीनों संक्रमण श्रेणियों के गलनांक और कथनांक को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हम देखें कि टिटेनियम, यदि हम 3D श्रेणी की बात करें तो टिटेनियम में हम देख रहे हैं इसका गलनांक और क्वथनांक कम है। उसके बाद जैसे परमाणु क्रमांक आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर वैनेडियम का यहाँ पर गलनांक का उसके अधिक हो गया है। उसके बाद हम देखें कि क्रोमियम का जो यहाँ पर गलनांक है वो पूरे ग्राफ में हम देखें कर्व में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखें तो मैग्नीज का ये अपवाद स्वरूप इसका गलनांक कुछ नीचे है, लेकिन उसके बाद फिर आयरन का हम देखें तो यहाँ पर इसका जो गलनांक है वह ऊपर हो जाता है। इसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहाँ पर हम देखें तो इनके गलनांक लगभग लगभग एक जैसे हैं। और उसके बाद हम देखें कि कॉपर का जो गलनांक बिंदु है वो काफ़ी नीचे की ओर दिखा रहा है तथा जिंक का गलनांक वो और भी नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कर्व से हमें समझ में आ रहा है कि शुरू में तो यहाँ पर स्टैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम के बाद हम क्रोमियम तक जाते हैं तो वहाँ पर गलनांक के मान में वृद्धि होती है। उसके बाद हम देखें कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, यहाँ पर गलनांक जो है वो लगभग स्थिर रहता है और उसके बाद देखें कॉपर और जिंक में गलनांक काफ़ी नीचे चला जाता है। जैसा कि हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है, जब हम स्कैंडियम से प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर हम देखें एस ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, साथ ही डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक आगे बढ़ता जाता है डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। और यहाँ पर हम देखें कि क्रोमियम में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D श्रेणी में, हम देखें इसमें D5 और 4s1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके पास कुल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम यदि 4D श्रेणी में देखें तो मॉलिब्डेनम का भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो D5 होता है। इसी तरह से हम 5D श्रेणी में देखें तो टंगस्टन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो D में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जबकि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसके साथ यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है और इसमें एस के साथ साथ डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इस वजह से जो इनके बीच जो मेटालिक बंध परमाणु के बीच या धातु धातु परमाणुओं के बीच जो बंध होता है उसमें एस ऑर्बिटल के साथ साथ डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी इसमें भागीदारी करने लगते हैं, जिससे इनके बीच बनने वाला जो बंध है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। और हम जानते हैं कि बंध जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उसे तोड़ने के लिए हमें उतनी ही अधिक ऊर्जा देनी होगी, जिससे कि इनका गलनांक उतना ही ज्यादा हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो सबसे अधिक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रोमियम में मिल रही है, ये जो मध्य में प्रायः देखें, लगभग मध्य में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पर इनके गलनांक सबसे अधिक हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आगे परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाता है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाद में पेयरिंग शुरू हो जाती है डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों में और इसलिए जो बंध बनाने में भागीदारी देने के लिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है और इसीलिए यहाँ पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक आगे बढ़ता है इनके गलनांक में कमी आने लगती है। आप देख सकते हैं कि जिंक का यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम देखें कि जिंक में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 3D10 4S2, यानी कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल के अलावा जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पूरे पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बंध बनाने में भागीदारी नहीं लेते हैं और इसीलिए यहाँ पर इसका जो इसमें जो बंध होता है इनके बीच वो काफ़ी कमज़ोर होता है और इसीलिए इसका गलनांक काफ़ी कम होता है।
यदि हम एस ब्लॉक तत्वों से इनकी तुलना करें तो हम देखेंगे कि एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में भी इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि जैसे कि उदाहरण में हम देखें सोडियम धातु, सोडियम के धातु में का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें बाह्यतम कोश में, तो यहाँ पर इसके पास 3s1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर यदि दो सोडियम परमाणु होंगे तो उनके बीच केवल जो इनके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से यहाँ पर केवल मेटालिक बॉन्डिंग धात्विक बंध उपस्थित होता है। उसी तरह से पोटेशियम में हम देख सकते हैं वहाँ पर भी केवल धात्विक बंध उपस्थित होगा, लेकिन वहीं पर यदि हम क्रोमियम की बात करें तो देखिए क्रोमियम में 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ पर जब दो क्रोमियम के परमाणु होंगे तो उनके बीच यहाँ पर s जो ऑर्बिटल बाह्यतम कोश का जो s ऑर्बिटल है उस जो कि फ्री होता है उसकी वजह से यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड तो उपस्थित है ही, लेकिन यहाँ पर दोनों ही धातुओं के परमाणुओं के d ऑर्बिटल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो भी आपस में यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस वजह से बंध की अधिकता होने की वजह से इनके बीच प्रबल बंध हो जाता है और इसलिए इनके गलनांक अधिक हो जाते हैं। यदि हम क्रोमियम और जिंक की तुलना करें तो फिर से वही कारण आता है, क्रोमियम में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो कि कोवलेंट बंध बना सकते हैं और इसलिए इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि जिंक में कोवलेंट बंध नहीं पाया जा सकता और इसलिए यहाँ पर इसका गलनांक काफ़ी कम होता है और ये कम गर्म करने पर ही वाष्प अवस्था में हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो संक्रमण तत्वों का दूसरा गुण है वह है कड़न ऊर्जा, कड़न एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कड़न ऊर्जा हम किसे कहेंगे? जब भी हम कोई परमाणु अभिक्रिया करता है तो उसे हमें ठोस अवस्था से गैसी अवस्था में लाना होता है और हम जानते हैं कि जो धातु होती है उसके सभी जितने भी परमाणु होंगे वो सभी मेटालिक बंड कोवलेंट बंड के द्वारा बंधे हुए होते हैं, तो हमें इनके बीच उपस्थित सारे बंधों को तोड़ना होगा तब वो एटम के रूप में अलग अलग विलगित हो पाएंगे और ये वाष्प अवस्था में आ पाएंगे। तो इस तरह से जब हम ठोस धातु को जिसमें कि सभी परमाणु आपस में बंधे हुए हैं उनके सभी परमाणुओं को अलग अलग पृथक पृथक करने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब हमने जाना कि जो संक्रमण तत्व हैं उनमें सभी में क्योंकि इनके मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ इनमें कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें बाह्यतम कोश में s ऑर्बिटल के साथ साथ यहाँ पर जो n-1 कोश होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले d ऑर्बिटल भी उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अतिरिक्त बंध होता है और इसलिए ठोस धातु को वाष्पशील अवस्था में परमाणुओं के रूप में पृथक करने के लिए विलगित करने के लिए हमें अधिक ऊष्मा इनको देनी पड़ती है और इसलिए इनके जो कड़न एंथैल्पी का मान होता है वह अधिक होता है। यहाँ पर हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कड़न एंथैल्पी का मान भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर इसका यहाँ पर देखें तो स्कैंडियम से यदि हम शुरू करते हैं तो स्कैंडियम की जो कड़न एंथैल्पी है उसका मान होता है 326 किलो जूल पर मोल। उसी तरह से टिटेनियम का ये 437 किलो जूल पर मोल हो जाता है, वेनेडियम में और बढ़कर ये 575 किलो जूल पर मोल हो जाता है, उसके बाद क्रोमियम में थोड़ी सी यहाँ पर कमी आती है, इसके बाद हम देखें कि मैग्नीज में यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन इसके बाद आयरन की जो कड़न एंथैल्पी है वो पुनः बढ़कर 416 किलो जूल पर मोल हो जाती है। इसके बाद हम देखें कोबाल्ट की 426 किलो जूल पर मोल है और इसके बाद निकिल की यहाँ पर हम देखें कि 430 किलो जूल पर मोल कड़न एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पर आयरन कोबाल्ट और निकिल इनकी कड़न ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा है और इसके बाद हम देखें कि फिर पुनः जो कॉपर है
क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ एक ही रह जाती है डी ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कणन एंथैल्पी का मान घट जाता है और यह 339 किलो जूल पर मोल हो जाती है, जबकि आप जिंक की कणन एंथैल्पी देखें तो वो काफ़ी कम होकर यह सिर्फ 126 किलो जूल पर मोल रह जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि कणन एंथैल्पी का मान भी डी ऑर्बिटलों n-1 डी ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और यहाँ पर मध्य में हम देखें, लगभग मध्य में कणन एंथैल्पी का मान उच्च हो जाता है और आगे चलने जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वहाँ पर कणन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि जो कणन एंथैल्पी है वह धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण में मुख्य कारक होती है, और इसीलिए जब कणन एंथैल्पी का मान धातुओं के अधिक होता है तो वहाँ पर इनके क्वथनांक भी उच्च होते हैं, और क्वथनांक उच्च होने की वजह से यह प्रायः देखा जाता है कि उच्च कणन एंथैल्पी वाली जो धातुएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में उत्कृष्टता प्रदर्शित करती हैं, ये आसानी से क्रिया नहीं करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो संक्रमण तत्वों का गुण है वह है धात्विक गुण। आइए अब संक्रमण तत्वों के अगले गुण को जानते हैं। अगला गुण है धात्विक गुण। जैसे कि हमने बताया, संक्रमण तत्व सभी धातुएं होती हैं, लेकिन यदि हम इनके धात्विक गुण की तुलना एस ब्लॉक तत्वों से करें तो इनका धात्विक गुण एस ब्लॉक तत्वों के धातुओं की तुलना में कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं धात्विक गुण वह गुण होता है जिसमें कोई तत्व कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, और कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन आसानी से तब त्याग सकता है जब उसकी आयनन ऊर्जा का मान कम हो। हम यहाँ पर देखें, और आयनन ऊर्जा का मान कम होने के लिए जरूरी होता है कि इनकी साइज बड़ी हो। जब हम साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनका आकार बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं आकार में कमी आती है, जिससे यहाँ पर हम देखें कि जो संक्रमण तत्व हैं उनकी साइज छोटी होती है, और साइज छोटी होने की वजह से इनका जो आयनन ऊर्जा का मान है वह उच्च होता है, और इसकी वजह से ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं जितने कि एस ब्लॉक के तत्व रखते हैं, और यही कारण है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके धात्विक गुण एस ब्लॉक की तुलना में कम होता है। अब आगे देखते हैं हम संक्रमण तत्वों के एक महत्वपूर्ण गुण, यानी कि इनके परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, या हम कह लें कि संक्रमण तत्वों के आकार के बारे में। किसी भी परमाणु का आकार दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। ये दो कारक हैं जो किसी परमाणु के आकार को निर्धारित करते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ये परमाणु की संरचना आपको दिखाई दे रही है। यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और इसके जो बाह्यतम कोश है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हम जानते हैं कि नाभिक की प्रवृत्ति बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचकर रखने की होती है, और यह प्रवृत्ति यहाँ पर हमें एक या दो इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु में दिखाई देती है। लेकिन जब हम बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षों में उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर हम देखें कि जो नाभिक की प्रवृत्ति जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की होती है, लेकिन साथ ही साथ जो बाह्यतम कोश के भीतर वाले अन्य कक्ष होते हैं वहाँ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रवृत्ति बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करने की होती है। इसके अलावा भी एक ही कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि समान आवेश होता है उन पर, इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण का अनुभव तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वह आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण का सामना भी करता है और इस वजह से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया गया जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वह वास्तविक नाभिकीय आवेश की तुलना में कम हो जाता है और इस वजह से यहाँ पर इसे हम आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न किया गया या आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो नाभिकीय आवेश में कमी हो रही है वह इसमें परिरक्षण आवरण स्थरांक या परिरक्षण प्रभाव के बराबर होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश ये बराबर होता है वास्तविक नाभिकीय आवेश में से यदि हम परिरक्षण स्थरांक को घटा दें तो, यानी कि जेड इफेक्ट बराबर होता है जेड एक्चुअल माइनस शील्डिंग इफेक्ट के या शील्डिंग कांस्टेंट के बराबर होता है। इसके अलावा भी हम देखें कि यह जो परिरक्षण प्रभाव है वह भिन्न भिन्न जो आणविक ऑर्बिटल होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। यह देखा गया है कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनका जो आकार है गोलाकार होता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अच्छी तरह से घिरे हुए होते हैं और इस वजह से इनका जो परिरक्षण प्रभाव है वह अधिक होता है। इसके अलावा जब हम देखें पी ब्लॉक जो उपकोश होते हैं उनकी उनका शेप डंबल शेप होता है और जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह बिखरे हुए से होते हैं और इसकी वजह से इनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। इसी तरह से डी ऑर्बिटलों या डी सबशेल का जो परिरक्षण प्रभाव है उससे भी कम होता है तथा एफ जो उपकोश हैं उसमें उपस्थित जो ऑर्बिटल हैं उनका परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हम कहें कि जो परिरक्षण प्रभाव है वह समानुपाती होता है परमाणु के आकार के, यानी कि परिरक्षण प्रभाव यदि अधिक होगा तो परमाणु का आकार भी अधिक होता है, लेकिन जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु के आकार के। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है तो वह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है और इस वजह से परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि परमाणु के आकार को दोनों कारक यानी कि परिरक्षण प्रभाव तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश ये दोनों कारक निर्धारित करते हैं। अब हम देखते हैं संक्रमण तत्वों के जो विभिन्न श्रेणियां हैं उसमें इनके परमाणु आकार में किस प्रकार के ट्रेंड्स या प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यदि हम संक्रमण तत्वों को देखें, यदि हम केवल इसमें पहले 3D श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि इनके परमाणुविक आकार में असामान्यता देखने को मिलती है। इनका जो परमाणुविक आकार है यहाँ पर हम देखें, यदि स्कैंडियम से शुरू करें तो स्कैंडियम से लेकर यहाँ पर क्रोमियम मैग्नीज तक इनके आकार में पहले कमी आती है और उसके बाद हम देखें कि आयरन कोबाल्ट और निकल यहाँ पर इनका आकार स्थिर रहता है, जबकि आगे हम देखें कॉपर और जिंक में जाएं तो यहाँ पर इनके परमाणु के आकार में थोड़ी सी पुनः वृद्धि हो जाती है। इसके पीछे जो कारण है वह भी हम इसका एक प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव के द्वारा जान सकते हैं। यदि हम देखें शुरू में हम देखें कि यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है उसमें स्कैंडियम में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में तथा इसके जो अंदर वाली शेल होती है d शेल उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इस स्थिति में हम देखें कि यहाँ पर जो नाभिक का आकर्षण है प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्ट का मान यहाँ पर अधिक होता है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। इसके बाद जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो वहाँ पर डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है
और वैसे वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश है उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वह डी उपकोश में, डी ऑर्बिटलों में जा रहे हैं, और हम ने देखा कि जो डी ऑर्बिटलों का परिरक्षण प्रभाव है वह उतना प्रभावी नहीं होता है, और इस वजह से यहाँ पर अभी देखें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पर अधिक रहता है। और इस तरह से हम स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक देखें तो परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ इनकी जो आकार है, परमाणु का आकार है वह घटता जाता है। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकिल में यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों का मान लगभग बराबर हो जाता है, और दोनों ही इसको प्रभावी रहते हैं, और इसकी वजह से इनके जो आकार है वो लगभग स्थिर हो जाते हैं। इसके बाद हम देखें कि अब यहाँ पर डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब कॉपर में 9 हो जाती है और जिंक में जाकर ये पूरी 10 हो जाती है, तो यहाँ पर जो परिरक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या होने की वजह से थोड़ा अधिक हो जाता है, और इस वजह से जो जड इफेक्ट है वो कम हो जाता है, और फलस्वरूप यहाँ पर कॉपर का जो आकार है थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उसके बाद जिंक का आकार थोड़ा और अधिक बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें, इसे हम इनके परमाणु त्रिज्या के डाटा के से भी इसको जान सकते हैं। यहाँ पर हम देखें स्कैंडियम का जो परमाणु त्रिज्या होती है वह होती है 164 पिकोमीटर की, टिटेनियम में यह कम होकर 147 पिकोमीटर हो जाती है, वेनेडियम में 135 हो जाती है, क्रोमियम में 129 हो जाती है, मैग्नीज में यहाँ पर थोड़ी सी अपवाद स्वरूप बढ़ती है, 137 होती है, लेकिन उसके बाद हम देखें कि आयरन, कोबाल्ट और निकल में आयरन की 126 पिकोमीटर है, कोबाल्ट की 125 पिकोमीटर है, तथा निकल की भी 125 पिकोमीटर होती है, तो यहाँ पर त्रिज्या लगभग एक जैसी हो जाती है। इसके बाद हम देखें कि कॉपर की पुनः बढ़कर 128 पिकोमीटर हो जाती है, जबकि जिंक की सबसे अधिक वहाँ पर 137 पिकोमीटर हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्षैतिज श्रेणी है, 3D श्रेणी, उसमें परमाणु की त्रिज्या पहले कम होती है, फिर स्थिर होती है, और उसके बाद फिर बढ़ती है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति हमें 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी में भी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। यहाँ पर हम देखें कि जब हम 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ के द्वारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर परमाणु त्रिज्या के मान में बढ़ोतरी होती है, यानी कि परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हम 3D से 4D श्रेणी में आते हैं तो कोश की संख्या बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जब हम 4D से 5D श्रेणी में जाते हैं या फिर 5D से 6D श्रेणी में जाते हैं तो परमाणु आकार में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इनका परमाणु जो आकार है लगभग लगभग बराबर होता है। इसे हम ग्राफ से भी स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ की लाइन बता रही है कि 3D श्रेणी की जो है वह अलग है, और उसके बाद 5D और 6D की जो कर्व हमें प्राप्त हो रहा है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करता हुआ प्राप्त हो रहा है। इसके पीछे जो कारण है, यहाँ पर हम देखें कि जब हम 3D से 4D में जाते हैं तब आकार बढ़ता है, लेकिन जब हम 4D से 5D श्रेणी में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखें कि लैंथेनम के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वह अंदर वाले n-2 f ऑर्बिटलों में शुरू हो जाता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटलों में प्रवेश करने लगते हैं। उदाहरण के लिए हम सीरियम का उदाहरण ले सकते हैं जिसका परमाणु क्रमांक होता है 58। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह होता है ज़ीनॉन के बाद, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4f1, 5d1 तथा 6s2। तो यहाँ पर इसके बाद सभी जितने तत्व होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये लैंथेनाइड्स हैं। और उसके बाद जब हम वापस डी ऑर्बिटल के तत्वों पर आते हैं तो चूंकि यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन
पहले से ही डी एफ उपकोश में भर चुके होते हैं, और यहाँ पर हम जानते हैं कि एफ उपकोशों का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे कमज़ोर, सबसे कम होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये साइज में परमाणु के आकार को बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं, और इसकी वजह से परमाणु का आकार जितना कोश की बढ़ने की वजह से बड़ा होना चाहिए था वह नहीं हो पाता है और इनका आकार छोटा रह जाता है। इस प्रकार जो आकार में कमी आती है उसे हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यहाँ पर हम देखें कि लेंथेनाइड संकुचन का उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे हम जर्कोनियम देखें तो जर्कोनियम का जो परमाणु त्रिज्या होती है वह 160 पिकोमीटर के बराबर है। उसके नीचे हम देखें हाफनियम, इसकी परमाणु त्रिज्या होती है 159 पिकोमीटर, तो लगभग लगभग ये बराबर होती है। जब हम देखें कि इनकी परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर यदि हम जाते हैं 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में, तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या लगभग लगभग बराबर हो जाती है, और इसकी वजह से इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, और ये कई बार परेशानी का कारण हो जाता है जब हम इन्हें निष्कर्षित करते हैं या एक दूसरे से पृथक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और कारण है, यहाँ पर स्पष्ट हमें दिखाई देता है, चूँकि इनके परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से परमाणु द्रव्यमान बाएं से दाएं जब हम चलते हैं तो परमाणु द्रव्यमान अधिक हो जाता है, और परमाणु लेकिन इनकी जो साइज़ होती है वह छोटी ही रहती है, तो इस वजह से क्योंकि आयतन कम हो जाता है और द्रव्यमान अधिक होता है, इसके वजह से इनके घनत्व में वृद्धि हो जाती है। और ये यहाँ पर हम देखें कि जो घनत्व में वृद्धि है, यदि 3D श्रेणी की बात करें तो टिटेनियम से लेकर टिटेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 22 होता है, वहाँ से लेकर कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, वहाँ तक हम देखें कि घनत्व में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि लेंथेनाइड संकुचन की वजह से यहाँ पर संक्रमण श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर 4D से 5D श्रेणी में जाने पर या 5D से 6D श्रेणी में जाने पर परमाणु के आकार में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है, और इस वृद्धि को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं।